वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा एक्टिव प्लस से। तो मैं आज जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, उस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। ये एक वो टॉपिक है जो लोग ज़्यादातर बात करना नहीं चाहते, या जब अपोजिट सेक्स यानी कि अगर मैं मेल डॉक्टर हूँ तो फीमेल पेशेंट पूछने में बड़ी झिझक थी, और वहीं पर कई यंग या ओल्डर पेशेंट्स डिस्कस करने में काफ़ी झिझकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने उन्हीं लोगों के साथ सोचते हुए बनाया है। कल हमारे पास में एक पेशेंट आई थी, तो जब उसने इस तरह के क्वेश्चंस पूछे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक अच्छा आंसर नहीं था देने के लिए। देन आई थॉट लेट मी डू माय स्टडीज एंड देन कम आउट विद द बेस्ट रिप्लाई जो मैं आगे पेशेंट्स को दे सकता हूँ और आप सबके साथ भी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो टॉपिक है कि हाउ डज दिस बैक पेन अफेक्ट्स इन सेक्स लाइफ, और या सेक्स कैन मेक योर बैक पेन बेटर। तो इसको मैंने पूरी रात स्टडी करने के बाद आप सबके पास लेके आया हूँ। तो ये हमने स्टडी किया है कि बोथ वेज दी बैक पेन डज अफेक्ट योर सेक्स लाइफ एंड इट कैन कॉज लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। लॉट ऑफ पीपल आर अनेबल टू टॉक अबाउट इट, अपने पार्टनर के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, ऑन दी अदर हैंड वो डॉक्टर के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ है कि आप अपने डॉक्टर अपने पार्टनर के साथ जरूर डिस्कस करें, बिना डिस्कशन के ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वहीं पे ये भी देखा गया है कि इफ यू आर इन अ माइल्डर बैक पेन और अ मॉडरेट बैक पेन एंड यू हैव अ सेक्स, बिकॉज ऑफ दैट इट हेल्प्स यू इन रिलीविंग थ्रू द हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड थ्रू द मसल्स व्हिच गेट टेंस हेल्प यू इन द पेन। एंड बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये है कि अगर आपको कोई स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस वो प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका स्पाइनल कैनाल है फोरामेन है जिसके अंदर से गुजरता है, अगर ये किसी भी कंडीशन में जनरली हम लेटर एजेस में देखते हैं पोस्चुरल चेंजेस के बाद में जब ये इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है तब पेशेंट के लिए सेक्स करते समय काफ़ी डिफिकल्टी आती है और पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस वक्त क्या करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। वहीं पर डीजेनरेटिव चेंजेस की गैप कम हो गया है या स्लिप डिस्क बाहर आ गई है तो ये प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको फेस होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो तक बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछें। तो पहली तो चीज़ ये है कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो बेस्ट वुड बी टू अवॉइड सेक्स, डोंट गेट इन टू इट। और अगर आप तब भी आपको लगता है कि दैट यू नीड टू टॉक टू योर पार्टनर, प्लीज़ डू टॉक टू योर पार्टनर। Then next is that you have to lie down on the bed, put some cushions under your back, your knees under your head, and you can lie down straight. अगर आप सीधा लेट सकते हैं, then only think of sex. Otherwise, उसके साथ में थोड़ा turn करने की कोशिश कीजिए कि आप comfortably turn कर सकते हैं या turn नहीं कर सकते। अगर आप turn नहीं कर सकते तो then you should avoid sex. अगर आप comfortably turn कर सकते हैं, then there is no issue that you can have sex. Second, the same thing with the female. If female has a back pain and they can't turn, then they also need to avoid. But the best position would be that you, both of you, found out which way both of them you are relaxed and does not hurt the back. Back के नीचे support लगाना बहुत अच्छा है, legs को relax रखना बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपकी post sex आपकी muscles ज़्यादा अच्छे से recover कर रही हैं, आप walk कर सकते हैं, आप tense नहीं हो रहे, then only you should talk about sex, then only you should think about sex. Otherwise, just go out and discuss with your doctors. There are almost 35 million people across the world where their sex lives get disturbed because of the back pain, because of the slip disc, because of their herniation. And I'll come out with more and more research and keep discussing with you. If you have any questions, you can ask with us. Thank you.